नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरनीश सिंह गुलाटी आज आपके लिए लेसन नंबर 5 लेकर आया हूँ। इसमें एक और बहुत खूबसूरत अलंकार, बहुत सुंदर अलंकार, जिससे आपको फिंगरिंग में भी करने में आसानी होगी, मज़ा आएगा, आपको बजाने में भी मज़ा आएगा। और ये अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो कि एक तरीके से कॉर्ड्स का काम भी करता है। जब मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, देखना आप कितना अच्छा लगेगा आपको। आइए समझते हैं क्या अलंकार है, फिर मैं आपको बजा के दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। और जितने भी अलंकार मैं आपको समझा रहा हूँ, एक आप रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में सीरियल वाइज इन्हें उतारिए, और हर अलंकार को कम से कम आप 50-50, 100-100 बार रोज बजाएं। जब तक आप बजाएंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं आने के, तो इनको आप बजाएं, फिर आप इनका मजा देखिए, आपकी उंगलियां भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, बाजे के ऊपर चलेंगी। अच्छा, आइए समझते हैं। ये आप अलंकार देखिए, आरो असेंडिंग ऑर्डर देखिए। पहले जो आपने अलंकार देखे उसमें ब्लॉक थे, एक के बाद एक स्वर थे, सारे गामा रे गामा पा गामा पादा। इसमें क्या है कि हमने सा से इस अलंकार को शुरू किया, तो बीच में एक स्वर हमने हटा दिया, सा के बाद सीधा गा, फिर हमने सा के बाद रे आता, रे के बाद फिर सीधा मा, तो हम एक एक स्वर को हटाते जाएंगे और एक एक स्वर आगे बढ़ेंगे। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, ऐसे ही वापिस आएंगे ऊपर से असेंडिंग ऑर्डर में। अब रो में सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब इसमें एक चीज और समझिए, ये फिंगरिंग चार्ट आप मेरा लेसन नंबर 3 में देख सकते हैं, सारा समझ सकते हैं ये फिंगर्स कैसे मैंने इसमें लगाई हैं या इसका क्या सिंबल का क्या मतलब होता है। आप सब मेरे पहले शुरू के बिगनिंग लेसन देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा जब आप शुरू से देखेंगे इसको। तो अब आप इसको बजाकर देखेंगे और इसको बजाकर समझेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको बजाने से देखिएगा कैसे कॉर्ड्स का भी ये काम करता है। ये बहुत अच्छा अलंकार है और ये आपकी फिंगरिंग को भी बहुत अच्छा करेगा, और इसमें आपकी फिंगरिंग बजाने से और बेहतर और बेहतर होती जाएगी। ये अभी इजी से हल्के हल्के हार्ड होते जा रहे हैं, आगे अभी और भी अच्छे अच्छे अलंकार आएंगे। आइए इस अलंकार को बजाकर देखते हैं, आइए समझिए कैसे बजेगा ये अलंकार। इसमें क्या है कि हमने सा से सीधा गा पर चले गए, एक स्वर रे छोड़ दिया, फिर हम रे से मा पे चले जाएंगे, एक स्वर गा छोड़ देंगे। तो ऐसे हम एक एक स्वर आगे बढ़ेंगे और बीच में से एक एक स्वर छोड़ के हम इसको बजाएंगे। देखिए कैसे फिंगरिंग, देखिएगा चार्ट में लिखी है, मैं वही फिंगर इस पर लगाऊंगा। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ये आप इसका अभ्यास करें इस तरीके से, और उसके बाद धीरे धीरे जब ये फास्ट हो जाएगा, देखिए कितना बढ़िया चलेगा। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा 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 नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा 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 नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। तो ये आप फ्लो में जब बजाएंगे तो ये पूरे बाजे पर आपका बजेगा। फिंगरिंग का जो आपको मैंने चलन दिया है, ये इस तरीके से है कि आपको यहां से वहां तक पूरा अलंकार और पूरी एक्सरसाइज बजाने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक चीज और समझिए, मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि ये कॉर्ड का बड़ा अच्छा काम करता है, तो ये सा गा भी ये कॉर्ड है, देखिए ये मैं आपको इकट्ठा दबाइए। प्रकार कई लोग सॉन्ग भी प्ले करते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूं, जैसे आपने एक गीत सुना हो, एक प्यार का ये गीत, देखिए आप इसको, आप इस चीज से देखिए कि कॉर्ड से कैसे बजेगा। इसमें वही वाला अलंकार जो मैंने अभी आपको बताया वो इस्तेमाल हुआ है, देखिए। करेंगे तो आपका इसका अभ्यास भी जरूर होगा, आगे चल के आपको और भी चीजें मैं सिखाऊंगा, और भी चीजें बहुत इसमें आएंगी, लेकिन पहले आप धीरे धीरे अभ्यास करें, अपने हाथ को बनाएं। और इसी के साथ मैं आज के लेसन को विराम देता हूं, इस लेसन नंबर 5 को। मैं लेसन नंबर 6 में और अच्छे अलंकार और अच्छी एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर आऊंगा जल्द ही। आप फिलहाल इसका अभ्यास करें,
रोज कम से कम 50 से 100 बार मैं बार बार कहता हूँ, हर अलंकार को बजाइए, प्रैक्टिस करिए, देखिए जल्द से जल्द आप वो चीज़ अचीव करेंगे जो शायद आदमी 20 साल में अचीव करता है। अगर आपने थोड़ी सी रियाज किया, थोड़ी सी मेहनत करी, तो 2-3 साल में ही आप अपना हाथ वैसा देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।